हमारा अजीत नाम है, यहाँ हम रुद्राज देखकर मेरे के पास में आते हैं, नगर निगम के पास आता है और एक सामने सीआरपीएफ का मेन ऑफिस है। सामने में सीआरपीएफ का मेन ऑफिस है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, और इसके जस्ट सामने भैया लगाते हैं लाइव मुंगलेट, ठीक है। तो ये दो तरह का यहाँ पे बिकता है, एक है नॉर्मल वाला जो 50 रुपये का है, एक है स्पेशल जो कि 70 रुपये का है। मटर वगैरह बनाते हैं तो कैसे कैसे बनाते हैं, शुरू से पूरा प्रोसेस? उसको पहले 5-6 घंटे भिगो देते हैं, उसको हाँ धोने के बाद फिर उसको मिक्सर में पीस किया जाता है। अच्छा, बाकी सब मटेरियल डाल के मिला के तैयार किया। बेकिंग सोडा डलता है, बेकिंग सोडा उससे मिलावट आता है, उससे सही से पक जाता है। अच्छा, और ये क्या डाले? ये पानी। अच्छा, ये पानी है रिएक्ट करने के। ओके, बेकिंग सोडा और पानी रिएक्ट कराने के लिए बहुत मेहनत का काम है, बहुत थोड़ा पेशेंस रखना होता है, 10 मिनट में तैयार। आप देख सकते हैं ये फूलना स्टार्ट हो गया, बेकिंग सोडा के कारण रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है, थोड़ा गिर भी गया। अमूल बटर है, अमूल का बटर आ गया है। ऊपर से थोड़ा सा धनिया आ गया बैटर डालकर, और सारा बाकी का वेजी उसमें पहले से ही मिक्स किया हुआ। तो अब हमारा मोंगलेट पकना शुरू हो गया है और भैया अब इसको पलटने वाले हैं। तो पलटने के बाद कुछ इस तरह का दिख रहा है, भैया अब इसमें थोड़े छेद कर दे रहे हैं ताकि वेपर बाहर निकल जाए और ये पूरा अंदर तक पक जाए। थोड़ा सा इसमें कट लगाकर इसके ऊपर अमूल बटर डाल दे रहे भैया फिर से, ये सब इसको बहुत अच्छे से पकाने के लिए है। हमारा मूंगलेट अब तैयार हो गया है। ये हरी चटनी है, ये हरी चटनी, ठीक है, ये मीठी चटनी, ये मीठी चटनी, ये हरी, ये जो हरा चटनी है हाँ, ये अदरक पुदीना धनिया की हाँ, और ये टमाटर की, और टमाटर, और ये इमली गुड़ चीनी का। अच्छा, ये इमली गुड़ चटनी, खट्टी मीठी चटनी। तो देखिए देखने में कुछ ऐसा है क्या, और अब हम लोग इसको ट्राई करते हैं, ट्राई करके बताते हैं कैसा है। इसको तोड़ते हैं, बहुत गर्म है ये, बहुत ज़्यादा गर्म है, देखिए इसको तोड़ते हैं। अंदर से बाहर से हर तरफ से पक चुका है क्योंकि बटर और भैया ने इसमें छेद कर दिया था बहुत सारा पकाते टाइम। इसको ट्राई करते हैं पहले मीठी चटनी के साथ। मीठी चटनी के साथ चटनी के साथ ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, चटनी का जो टेस्ट है पूरा मिल जा रहा है इसके अंदर। अब हम लोग एक बार हरी चटनी के साथ ट्राई करते हैं। हरी चटनी के साथ भी बहुत अच्छी लग रही, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा ये लाल वाली खट्टी मीठी चटनी, ये ज़्यादा बेटर है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।